मैं कहाँ आ गया, ये भाई जी को डिब्बा आ गया क्या? हमेशा सोचते हैं कुछ अलग करने का, लेकिन हो नहीं पाता है. लेकिन इस बार कुछ अलग हमने सोचा है. हम लोग कुछ क्लोज फ्रेंड्स और मैं और देवीना, हम लोग गिर जा रहे हैं जंगलों में शेर का सामना करने के लिए. तो दो तीन दिन हम लोग गिर में हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा है. बहुत लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी जगह है गिर, तो वहाँ पर दो तीन दिन हम लोग रहेंगे. नहीं, अब शेरों के बीच में आएंगे. शेरों के बीच में तो शेर ही करेंगे हम तो. बस वहाँ पे एक्चुअली मैंने सुना कि बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे. और नॉर्मली क्या है, आज के टाइम ऐसा हो गया कि आप, हम लोग इतना बिजी रहते हैं फ़ोन पे. अगर अगर बिजी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हो, नहीं हो तो भी इंस्टाग्राम पे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे होते. तो आई थिंक एक ब्रेक लेना बहुत बहुत ज़रूरी है. और कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है मेरे लिए, तो उससे पहले एक छोटा सा एक ब्रेक बनता है. ओके गुरु, इसी के साथ में अगर बर्थडे की बात की जाए तो बर्थडे की क्या यादें याद आती हैं आपको हर बर्थडे पर? वेल यार, जन्मदिन पे हमेशा, अभी कुछ सालों से तो यही है कि जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो मेरी वाइफ है देवीना, उनके साथ बिताता हूँ. और जब भी मन करता, एक्चुअली वो पूरा प्लान करती है. मैं कुछ भी, मैं बहुत ही बोरिंग हूँ. वो जब प्लान करती है मैं उसमें हाँ में हाँ मिला देता हूँ. नहीं तो अगर वो प्लान नहीं करेगी तो प्लान पूरा चौपट हो जाएगा. तो जब भी उनके साथ रहता हूँ तो अच्छा लगता है. एंड बर्थडे के जस्ट बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट भी
काम करने वाले, थोड़ा सा बता दीजिए जॉनर क्या होगा लाइक ऐसे? अच्छा ऐसे हम रोमांटिक देखेंगे? जॉनर भी बता दूँ, स्टोरी बता देता हूँ मैं। स्टोरी मैंने नहीं पूछा, नहीं एक्चुअली सब लोग यही पूछ रहे थे कि आज केक में द वाइफ क्यों काटा है, ये सब एक्चुअली बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी को। और आने वाले वीक में, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में एक अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है, वो क्या है और क्यों है, ये केक क्यों काटा है, वो आप सबको मालूम चल जाएगा। बट इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके मैं। और मैं बस एक्चुअली इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कि जल्दी से वो अनाउंसमेंट हो। और ये केक क्या था, द वाइफ क्या था ये आप सबको पता चल पाए। आप लोग जो भी मानो, द वाइफ लिखा हुआ था और सभी को सभी जानते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करता हूँ, तो वो और क्यों ऐसे केक क्यों काटा, वो सब आपके लिए, उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीक तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। पिछले साल देखा हमने आपका सिंगल आया, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया, हम देखते हैं गाने चाहे किसी भी कंट्री को हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, लोग बहुत दूर तक जाते हैं। और हमने देखा आपका भी गाना लोगों को बहुत ही पसंद आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो साल 2020 में कितने तकरीबन सिंगल लाने वाले हैं आप, या इस गाने में भी ढेरों सारे सिंगल लाए, क्योंकि सिंगल गानों की जब हिट होते हैं तो उनकी बात बहुत दूर तक होती है, चाहे हॉलीवुड के गाने देख लें। वेल इंतज़ार बहुत ही अच्छा रहा लास्ट ईयर, इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर में रिलीज़ हुआ और उसका इनफैक्ट वो गाना इतना अच्छा था, अरिजीत का उन्होंने बहुत अच्छा गाया, अजीज़ ने बहुत अच्छा गाया, यूनिवर्सल का गाना था और बहुत ही मज़ा आया। और इनफैक्ट उसका प्रमोशन बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया। आज भी जब भी जाता हूँ तो लोग कोई ना कोई रोक देते हैं, हम आपका वो गाना सुन रहे होते हैं। तो इनफैक्ट एज एन एक्टर यू नो, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे गाने, हमारा जो कल्चर है वो गानों के बिना अधूरा है, यू नो, गाने होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप फिल्मों के बीच में जब आपके पास टाइम होता है तो ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। और गाना इनफैक्ट मुझे लगता है सबके घर घर तक पहुँच जाता है, अगर वो गाना हिट हो जाए तो आप सबके घरों में होते हो। और केक कटिंग तो आपने कर लिया, सो और बताइए कि अब कितना टाइम बचा है और मैडम भी आ गई हैं पार्टी में, कौन कौन आने वाले हैं पार्टी में, और कौन कौन आने वाले हैं, वेल इतना धमाल होने वाला है, कौन कौन से गाने पर डांस करने वाले हैं आपके करीबी और कौन कौन आने वाले हैं? वेल सबने मुझसे पूछा कि ये पार्टी में कौन कौन आने वाला है, एक्चुअली कोई नहीं आने वाला क्योंकि हमारा जो प्लान था, एक्चुअली मेरा और दीपिना ये प्लान था क्योंकि हम कल सुबह ही यहाँ से मुंबई से जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो जो बहुत सारे फैंस जो इतना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि यू नो हर साल हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कैसे काट रहे हैं, यू नो वो जो खुशियां होती है वो उनके साथ बांटना बहुत ज़रूरी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं मानता हूँ कि जो मेरे फैंस हैं वो मैंने इतने सालों में कमाए हैं, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं मुंबई में हूँ या ना हूँ लेकिन अपने फैंस के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँ। तो ये सिर्फ मेरे फैंस के लिए था जो मुझे चाहते हैं, जो प्यार करते हैं। और उसके बाद जो सबसे मेरे क्लोज है, मेरी मीडिया है, जो सारे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने मीडिया के सारे दोस्तों से मैं मिलता हूँ और उनके साथ केक काटता हूँ। आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जाते जाते अगर हम बात करें फिल्म फेयर की, बात की जा रही है बहुत ही गली बॉयज को 13 अवार्ड दिए गए और दूसरे फिल्मों को कुछ दिया नहीं गया, आप कैसे देख रहे हैं? अवार्ड आजकल फिक्स होते जा रहे हैं, बिग बॉस का भी अवार्ड फिक्स हो गया है, क्या कहना चाहिए? क्या नहीं, एक्चुअली हम कौन होते हैं, मैं कौन होता बोलने वाला, आई थिंक जो हुआ है डिजर्व करते उन्हीं को मिला होगा, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जब मुझे मिलेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फिल्म फेयर तो मतलब कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा रहती है हर एक्टर को। देखिए मैं आपको बता दूँ, फिल्म फेयर के बारे में आप जब पूछे तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा सपना है, मेरे जब मैं टीवी करता था तो शायद मुझे लगता है कि मैंने एक भी अवार्ड नहीं छोड़ा होगा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट मेल, अगर इनफैक्ट अगर मैं लड़की भी बनता तो उसका भी मैं एक अवार्ड ले आता घर पे। तो मेरे पूरे वॉल पे अवार्ड्स भरे पड़े हैं, लेकिन अगर उस पर आप सब लोग घर पे आए हुए, लेकिन एक जगह है वो खाली है फिल्म फेयर के लिए। और जब भी मैं सुबह उठता हूँ अपने, जब आप अपने अवार्ड्स को देखते हो तो एक जगह खाली होती, तो वो जो आशा है, वो जो भूख है, वो जो प्यास है, वो उस पर रहनी चाहिए और हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो सोते जाते फिल्म फेयर के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक वो एक मेरा एक सपना था हमेशा से और ज़रूर वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। डांस तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओके, इसके अलावा बिग बॉस की भी बात कर ले, आसिम रियाज और सुधा शुक्ला के ऊपर काफ़ी
बहस चल रही कि ऑडियंस कह रही है कि आसिम रिहाज ही विनर होना चाहिए था, जिस तरह से आप कैसे मानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को? देखिए सब सबके फैंस होते हैं, सबके अलग अलग फैंस हैं और सारे जो फैंस हैं वो सबको अपने स्टार को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट इस बार बिग बॉस काफ़ी अच्छा रहा और सभी कंटेस्टेंट ने काफ़ी अच्छा खेला है और सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं और यू नो ये एक गेम है। इस गेम में क्या होता है कि आप जो कौन सा अच्छा खेलता है, इनफैक्ट अगर एक इंडिया गेम खेल रही है उसमें एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ होती है, उसको ज़्यादा उसको बड़ा अवार्ड मिलता है, उसको ट्रॉफी मिलती है। तो उसी तरह इस गेम में सभी ने अच्छा खेला और मुझे लगता है जो विनर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और भाई एक आखिरी जाते जाते आपके फैंस को, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, जो आपसे मिल पाएंगे वो तो ठीक है, जो नहीं मिल पाएंगे इंडिया के बाहर है उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए, जिनको काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है गुरु भाई बर्थडे के कटिंग ढेर सारे वीडियो का, आप तो जानते ही हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो केक कटिंग था सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस के लिए था और मेरे प्यार करने जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैंने कुछ कमाया इतने सालों में मेरे फैंस को कमाया, वो मेरी फैमिली है, उनके लिए ही मैं यहाँ पे जब भी मैं कुछ करता हूँ मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मेरे फैंस को ज़्यादा वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, यू नो वो ज़्यादा खुश होंगे। तो उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट करते रहे और हर जन्मदिन में हर अच्छे खुशखबरी में आप सब हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।